दिल्ली विधानसभा सदन में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरों का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने निशाना साधा तो सीएम केजरीवाल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा पहुंच गए। इस बात में दो राय नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की तस्वीरों को दिल्ली विधानसभा सदन में लगाना सम्मानजनक फैसला था। इसीलिए सम्मान समारोह के लिए मुख्य अतिथि सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आना था, लेकिन दिल्ली विधानसभा से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर अपने घर में होने के बावजूद केजरीवाल कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वैसे विधानसभा के किसी भी सत्र के लिए अरविंद केजरीवाल की लगातार कम मौजूदगी विपक्ष के निशाने पर रहती है, लेकिन कलाम साहब और लाल बहादुर शास्त्री को दिए जा रहे इस सम्मान समारोह से केजरीवाल का कन्नी काटना विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आया। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने केजरीवाल की इस मामले में कड़ी आलोचना की है। ये तो ऐसा लगता है जो पूरे देश जिनको बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ लाल बहादुर शास्त्री और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को याद करता है, उनके सम्मान को छोड़कर वो कहीं सामान की व्यवस्था में लगे हुए थे, इसी वजह से वो नहीं आ पाए, मुझे ऐसा लगता है। विधानसभा सदन में कलाम साहब और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरें राष्ट्रपति महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस के साथ जोड़ी गई हैं। स्पीकर रामनिवास गोयल के मुताबिक सदन की सभा में दो और महानुभावों की मौजूदगी प्रेरणा देगी। स्पीकर ने कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल के नाने का भी बखूबी बचाव किया। विपक्ष का काम तो यही है, आसमान पे कीचड़ फेंकना, फिर वो अपने ऊपर गिरे तो उनको अच्छा लगता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ यूनियन नेता वहाँ आ गए, और यूनियन नेता भी मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, जिस ढंग से हाई कोर्ट ने निर्णय दे डाला गीता मित्तल जी ने, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेजेस बढ़ाई हैं और वो मांग लेके आ गए, उनमें छोड़ के आना उनके लिए असंभव था। मेरी बातचीत हुई उनकी, दो बार बातचीत हुई। हालांकि सीएम केजरीवाल की गैर हाजिरी का मुद्दा ज्यादा गरमाया तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सीएम केजरीवाल सदन में पहुंचे, पर विपक्षी बीजेपी के मुताबिक सीएम केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में सिर्फ पीएम मोदी को कोसने भर के लिए कुछ ही मिनटों के लिए आते हैं, जो एक तरह से पूरी दिल्ली का अपमान है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़।